हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू वन मोर वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि चैनल जो भी थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है वो सब आपके सपोर्ट कोऑपरेशन की वजह से ग्रो कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो किस तरह से बनाई जाती है। जनरली पहले राउंड शाफ्ट या बार आता है और उस रॉड को कन्वर्ट किया जाता है क्रैंकशाफ्ट की फॉर्म में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फोर्जिंग प्रेस, ठीक है। तो उस फोर्जिंग प्रेस का मतलब मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ, किस तरह से उसको हीटिंग की जाती है ओपन फर्नेस में हीटिंग करने के बाद उसको प्रेस में लगाया जाता है, और प्रेस में लगाने के बाद उसको जो क्रैंकशाफ्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस पूरे वीडियो में आप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं, किस तरह से क्रैंकशाफ्ट बनता है। और जो प्रेस होता है ना, इसमें जो नॉर्मल वाली प्रेस है उस तरह की प्रेस यूज़ नहीं करते, इसमें एक अलग तरह की प्रेस यूज़ करते हैं। तो आप आइए वीडियो देखिए और पूरा प्रोसेस समझिए किस तरह से बनती है। यहाँ पर आप ओपन हर्थ फर्नेस देख रहे हैं, और इसके अंदर जो सिलेंड्रिकल बार है या रॉड है, इसका जो सेंट्रल पोर्शन है उसकी हीटिंग की जा रही है। सेंट्रल पोर्शन को आप शेप देंगे क्रैंकशाफ्ट वाला, ठीक है। तो इसको शेप देने के लिए यहाँ पे एक फोर्जिंग प्रेस यूज़ की गई है, उसको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे ओपन हर्थ फर्नेस का सेटअप देख सकते हैं। ये ब्लोअर लगा हुआ है और यहाँ से एयर पुल की जा रही है, और यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, और ये मोटर है, और मोटर से आपका जो फैन है ब्लोअर का वो घूम रहा है, और एयर को सक करके पुल करके हाई प्रेशर से फिर उस एयर को आप ये यहाँ पे ये वॉल्व देख सकते हैं, इससे आप सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं, और इस पाइप के थ्रू फिर नीचे से आप एयर सप्लाई कर रहे हैं, और ऊपर उसमें कोल रखा हुआ है तो कोल की अच्छे से बर्निंग होती है। तो ये कोल फायर फर्नेस है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोल के चंक हैं, इन्होंने कोल स्टोर कर रखा है, और इस कोल की बर्निंग की जा रही है। नीचे से आप एयर को सप्लाई कर रहे हैं प्रेशर से एयर सप्लाई करते हैं, तो उससे फ्लेम भी ज़्यादा जनरेट होती है और जो इफ़िशेंसी होती है वो भी बढ़ जाती है। ये आप ऊपर चिमनी देख सकते हैं, जो हॉट फ्लू गैसें जनरेट होती हैं, फिर वो चिमनी के थ्रू पहले लोहे को हीटअप करती हैं, जो सिलेंड्रिकल रॉड है उसको हीटअप करती हैं, उसके बाद ये एटमॉस्फेयर में चिमनी के थ्रू डिस्चार्ज हो जाते हैं। और नीचे जिस पे फ्यूल रखा जाता है इसको हम ग्रेट बोलते हैं। ये पूरा फर्नेस है, फर्नेस का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ग्रेट जनरली आपका रिफ्रैक्टरी मटेरियल का बना रहता है, ये पूरा आप देख सकते हैं। अब ये बन गया, इन्होंने निकाला इसको हीटिंग करके, और ये आपका प्रेस है जो कि आप इसको कन्वर्ट करेगी किसमें, क्रैंकशाफ्ट में। इस प्रेस में मोटे मोटे तीन हेड होते हैं, दो लेफ्ट और राइट से प्रेशर अप्लाई करने के लिए, और एक सेंट्रल हेड होता है जो कि उसको पुश करता है, जो आपका क्रैंकशाफ्ट का शेप देने के लिए। अभी क्रैंकशाफ्ट का शेप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं, एक हेड इधर दिखाया है और एक हेड उस तरफ है, और बीच में आपका उसमें डाई लगा हुआ है, और ये दोनों तरफ से प्रेस हो रहा है, और सेंटर से भी इसको प्रेस किया जा रहा है। अभी इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होती है वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से मोटराइज अब पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है वो भी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। ये पावर ट्रांसमिशन का पूरा मैकेनिज्म लगा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मोटर है, मोटर से फिर कपलिंग है, कपलिंग से गियर बॉक्स है, और ये जो बन गया है उसको अभी निकाला जा रहा है। ये अब लूज़ कर रहे हैं उसको, जो हेड होते हैं पहले क्लैंपिंग, फिर क्लैंपिंग के बाद आपने उसको लूज़ किया है। ये बन के तैयार हो गया है, अब इसको निकाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का ये शेप ले लेता है। तो मैं पावर ट्रांसमिशन वाला जो पार्ट है वो दिखाने जा रहा था आपको। मोटर से कपलिंग लगा हुआ है, ये कपलिंग से फिर आपका जो पावर है वो गियर बॉक्स में जा रहा है, गियर बॉक्स में बेसिकली पावर का रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ से फिर ये चैन ड्राइव के थ्रू ये और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, और इसके बाद ये छोटे गियर से फिर बड़े गियर में जा रहा है, जिससे आपके RPM क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं आगे किस तरह का पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, ये इधर गया, ये इस हेड में बेसिकली। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, ये नीचे से पावर आ रहा है इसमें,
ये नीचे से पावर आ रहा है, नीचे से फिर आपके बेवल गियर के थ्रू ये ऊपर इसमें जाता है। ये आप देख सकते हैं बेवल गियर ये नीचे लगे हुए हैं, और यहाँ से फिर ये बेसिकली आपका जो सेंटर वाला हेड है इसको ये आगे पीछे मूव कराता है, ठीक है। तो इसको पुश करता है तो वो जो मटेरियल है उसका आगे की तरफ निकल जाता है। ये आप लीड स्क्रू देख रहे हैं, इस लीड स्क्रू पे हेड माउंटेड है। जैसे ये रोटेट होता है तो लीड स्क्रू के ऊपर आपका हेड माउंटेड है, और आपका लीड तो उससे आप ये जो हेड है वो आगे पीछे होता है। ये आप वाइस देख रहे हैं जिसमें आपका जो रॉड है इसको दोनों तरफ से क्लैंप किया हुआ है, एक तरफ एक ये वाला साइड है और एक इस तरफ से क्लैंप किया हुआ है, जिससे आपका जब उसको प्रेस किया जाए तो वो इधर उधर मटेरियल ना हो। अभी ये निकाल लिया है इन्होंने। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि ये बेसिकली मैंने आपको सेंटर वाले हेड का तो बता दिया किस तरह से मूव कर रहा है। अब जो साइड वाली जो हेड है वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ मूव करते हैं प्रेस करने के लिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बेवल गियर में आता है पावर, और इस बेवल गियर से फिर ये जो सेंटर वाला हेड है जो कि आगे पीछे की तरफ मूव करता है उसमें ट्रांसमिशन होता है ये इस गियर बॉक्स के, ये यहाँ पर जो गियर का सेटअप लगा हुआ है इसके थ्रू। इससे फिर आपका ये लीड स्क्रू पावर जाता है, और लीड स्क्रू चूँकि जब रोटेट होता है तो लीड स्क्रू के ऊपर आपका ये हेड माउंटेड रहता है, तो इसकी वजह से ये आगे पीछे होता है। नट एंड स्क्रू मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा उसी के थ्रू। ये आप देख रहे हैं जो बेड है, बेड के बीचों बीच में एक सेंट्रल स्क्रू है, वो काफ़ी बड़ा स्क्रू है, और ये जो स्क्रू रोटेट होता है तो आपके जो दोनों हेड हैं वो अंदर की तरफ मूव होते हैं। ये आप देखेंगे दोनों, ये आपका लीवर है जिससे आप उसको लूज़ करते हैं, निकालते हैं बेसिकली क्लैंप करने के बाद। जो दोनों मतलब आपका ये तीनों जगह क्लैंप रहता है, साइड वाले हेड में भी और बीच वाले हेड में भी क्लैंप रहता है। अब इसमें अभी इसका मैकेनिज्म जो बताने वाला हूँ मैं ये है कि जो सेंट्रल वाला लीड स्क्रू है इसमें एक तरफ तो क्या होता है सेंटर से लेफ्ट साइड में राइट हैंडेड थ्रेड होता है और एक तरफ लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होता है, जिसकी वजह से जब स्क्रू रोटेट होता है तो दोनों जो हेड हैं वो अपोजिट डायरेक्शन मूव होता है, एक लेफ्ट टू राइट मूव होता है, लेफ्ट वाला वो राइट की तरफ मूव होता है और राइट वाला लेफ्ट की तरफ मूव होता है। ये इसकी थ्रेडिंग अरेंजमेंट की वजह से इस तरह का चीज़ें होती हैं। ये बेड है और इस बेड के ऊपर ये हेड माउंटेड होते हैं जिनके बारे हम बात कर रहे हैं, ये हेड आपका इस बेड के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका उसको क्लैंप अनक्लैंप करने के लिए, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है ये थ्रेडिंग का पोर्शन। ये थ्रेडिंग चूँकि इसी लीड स्क्रू पे दोनों थ्रेड हैं, मतलब सेंटर से लेफ्ट में देखें तो राइट हैंडेड थ्रेड हैं, और सेंटर से यदि आप राइट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंडेड थ्रेड हैं, तो उसकी वजह से आपके ये दोनों हेड हैं वो अंदर की तरफ आते हैं जब ये रोटेट होता है। तो आई होप ये फोर्जिंग प्रेस आपको समझ में आया होगा, और किस तरह का मैकेनिकल सिस्टम इसमें लगा होता है वो भी आपको समझ में आएगा, किस तरह से दोनों हेड अंदर आ रहे हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अच्छा आपको ये कैसे पता चला? सो थैंक यू।